दोस्तों रेडमी बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है रेडमी नोट 12 सीरीज फोन को। ये फोन नेक्स्ट मंथ में चाइना में लॉन्च हो जाएगा, जो अक्टूबर का मंथ है। अक्टूबर में ये फोन चाइना में लॉन्च हो जाएगा। चाइना में लॉन्च होने के बाद तुरंत ये फोन इंडिया में देखने को मिलेगा, अक्टूबर का मिड में या अक्टूबर का लास्ट में ये फोन इंडिया में देखने को मिलेगा। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 12 5G फोन के बारे में। ये फोन में क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा और किस प्राइस के साथ ये फोन आने वाला है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा रेडमी नोट 12 फोन में। तो पहले इसका डिस्प्ले से शुरू करते हैं। इसमें जो डिस्प्ले साइज होने वाला है 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। इसमें नॉच टेक्नो नहीं मिलेगा, छोटा सा 5 इंच होने वाला है। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया जाएगा। स्क्रीन टू वीडियो रेशियो का बात करें तो 91% तक स्क्रीन टू वीडियो रेशियो मिल जाएगा। इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया जाएगा और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होने वाला है। यह फोन का कैमरा का बात करें तो यह फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर होगा 50 मेगापिक्सल का फोन पर डेटा पचर के साथ में दिया जाएगा। और जो सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया जाएगा। जो थर्ड कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस होने वाला है। सेल्फी कैमरा का बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, 500 सेल्फी कैमरा होने वाला है। यह फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो इसमें मीडियाटेक का बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर दिया जाएगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा। इसका क्लॉक स्पीड है 2.4 गीगा क्लॉक स्पीड पर चलता है। और जीपीयू का बात करें तो मान लीजिए 68MC4 जीपीयू मिल जाता है। यह काफ़ी अच्छा बढ़िया प्रोसेसर है। यह 6 नंबर का प्रोसेसर है, 6 नंबर पर आधारित है। ये फोन का वारंट का बात करें तो ये फोन 2-3 वारंट पर आएगा। 4GB, 64GB, 6GB, 128GB और 8GB, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। ये फ़ोन का मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल का बात करें तो ये फ़ोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। ये फ़ोन का बैटरी का बात करें तो ये फ़ोन में 5000mAh का बैटरी दिया जाएगा। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 120W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा, 120W का फास्ट चार्जर दिया जाएगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, तो इसमें काफ़ी अच्छा बढ़िया फास्ट चार्जर होने वाला है। फ़ोन का सबसे बड़ा हाईलाइट होगा इसका जो फास्ट चार्जर और इसका परफॉर्मेंस। यह फोन का यूएसबी कनेक्टर का बात करें तो यूएसबी टाइप सी दिया जाएगा। ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.2 ब्लूटूथ वर्जन मिल जाएगा। 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया जाएगा। यह फोन में जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा बढ़िया शाइनी डिज़ाइन दिया जाएगा। बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। जैसे रेडमी 11 सीरीज में डिज़ाइन बढ़िया देखने को मिला है, इस फोन में भी ऐसे 12 सीरीज में भी काफ़ी अच्छा बढ़िया डिज़ाइन होने वाला है। यह फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा और इसमें फेस अनलॉक भी मिल जाएगा। कुछ लीक्स में यहाँ पे पता चल रहा है इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है, डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। ऐसे लीक्स के थ्रू पता चला है यह अभी कन्फर्म नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये फोन का लॉन्च डेट का। तो ये फोन का लॉन्च डेट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। इसे लीक्स के थ्रू पता चला है ये फोन अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा चाइना में। और अक्टूबर में चाइना में जब लॉन्च होगा, लॉन्च होने के तुरंत बाद आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। 8-10 दिन के अंदर ये फोन इंडिया में भी आने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है, काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट करने वाला है रेडमी नोट 12 सीरीज में। अगर यहाँ पे बात करें तो 11 सीरीज का फोन 11 सीरीज से काफ़ी अच्छा बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 12 सीरीज फ़ोन में काफ़ी बच्चा बढ़िया फ़ोन होने वाला है। ये फ़ोन में अलग अलग सीरीज़ में फ़ोन आएगा, रेडमी नोट 12 टी भी आएगा और रेडमी नोट 12 भी आएगा, रेडमी नोट 12 प्रो भी आएगा। तो काफ़ी 3-4 फ़ोन आने वाला है, काफ़ी अच्छे अच्छे बढ़िया फ़ोन आने वाला है। तो जब ये फ़ोन का लॉन्च डेट आ जाएगा ऑफिशियली और जब और कुछ जानकारी आएगा आप लोगों को मैं अपडेट करते रहूँगा। इसी चैनल पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। आपको ये फ़ोन कैसे लगा, क्या आप लोग ये फ़ोन के लिए वेट करें, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और हो सके तो अपना ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बटन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोग को ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।